हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये MGT 201 के फाइनल टर्म के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लेक्चर डिस्कस किया जा रहा है, जिसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके बताए जाएंगे और विद मॉड्यूल नंबर, यानी कि किस मॉड्यूल से कौन सा क्वेश्चन लिया गया है, तो वो इसके अंदर वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मॉड्यूल 5 से पे आउट रेशो जो है वो लिया गया है, यानी कि पे आउट रेशो अगर आपको निकालना हो तो किस तरीके से। मॉड्यूल 6 से रिटर्न ऑन इक्विटी लिया गया है न्यूमेरिकली जो है, और मॉड्यूल 7 से इबिट यानी कि मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिया गया है मॉड्यूल 4 से। और फिर उसके बाद कि मॉड्यूल 4 से ही कैपिटल स्ट्रक्चर लिया गया है, और मॉड्यूल 1 से वर्किंग कैपिटल लिया गया है, और फिर मॉड्यूल 1 से ही वाई फर्म्स आर नॉट प्रेफर्ड डेट फाइनेंसिंग। ऐसी बात है, कुछ कंपनी जो है वो नहीं चाहती कि हम कर्ज लेके कोई चीज़, जैसे मिसाल दे दीजिए, अगर एक साबुन बनाने वाली कंपनी है और उसको दूसरा साबुन की फैक्ट्री लगानी है, तो अब वो कर्ज से बचेगी, वो चाहेगी कि मैं अपने वर्किंग कैपिटल से ही अपने कैपिटल से ही वो बना लूँ। क्यों? उसकी एक वजह है। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, अगर साबुन की दूसरी फैक्ट्री जो है वो सही से वर्क नहीं कर पाई या फिर उस वो उतना कमा नहीं पाई तो इतना मसला नहीं, वरना अगर लोन लेके करेगी तो उसको जाहिर सी बात है लोन भी पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ, तो इसलिए प्रेफर नहीं करती। और मॉड्यूल 5 से मर्जर लिया गया कि भाई किस तरीके से मर्जर होती हैं, और फिर उसके बाद के मॉड्यूल 1 से डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। मनी मार्केट जो है जैसे जिसके अंदर जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वगैरह बिकती हैं वो है मनी मार्केट, और कैपिटल मार्केट जो है वो बहुत बड़ी, अक्सर आप सुनते होंगे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, तो कैपिटल मार्केट है कि जहाँ से कैपिटल राइज किया जाता है। मॉड्यूल 4 के अंदर डिस्कस करना है वन ऑफ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मतलब कौन सा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको मॉड्यूल 4 के अंदर दिया होगा डिस्कस करना है। इसी तरीके से मॉड्यूल 1 के अंदर ही क्वेश्चन लिया गया डिफरेंस मेथड टू राइज कैपिटल इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ब्रीफली एक्सप्लेन एंड इक्विटी इन द बिजनेस, यानी मतलब कितने तरीके हैं कि कैपिटल राइज करके। एक तो पहली बात ये कि आप प्राइवेट फंडिंग उठा लें, पहली बात तो ये कि आप प्राइवेट फंडिंग उठा लें, यानी मतलब आप जो है वो दोस्तों को बोले कि यार मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो। दूसरा तरीका हो सकता है आप जो हो वो पब्लिक के पास चले जाओ, मतलब पब्लिक लिस्टेड, अनलिस्टेड कंपनी भी उठा सकती है, तो पब्लिक कंपनी जो है वो अपील कर दे तो वो लोग पैसा उसको दे सकते हैं। और तीसरा ये कि स्टॉक मार्केट के जरिए भी पैसा उठाया जा सकता है। मॉड्यूल 1 के अंदर ही से लिया गया है लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग मतलब यानी कोई कर्ज ऐसा जो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, जैसे मिसाल दीजिए एक बैंक से कर्जा ले लिया 5 साल के लिए, 10 साल के लिए किसी कंपनी ने, और वो उसको इंटरेस्ट के साथ पे करता जाए, तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग अक्सर बड़ी कंपनीज ऐसा करती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना कैपिटल नहीं लगाना चाह रही होती, वो दूसरे का, या फिर उनके पास उतना कैपिटल अवेलेबल ही नहीं होता कि वो काम कर सके, तो बैंक फाइनेंसिंग से वो ये काम कर लेते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। और फिर उसके बाद मॉड्यूल 4 के अंदर डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड जो है वो कंपनी जब जैसे मिसाल दे दिया एग्रो ने कमाया, अच्छा कमाया, तो वो हर शेयर होल्डर को सम परसेंटेज जो प्रॉफिट का है वो डिविडेंड की सूरत में देगी, और डिविडेंड जो है वो आपको मतलब आप भी ले सकते हैं अगर आप एग्रो के शेयर ले लें। और फिर उसके बाद के तकरीबन मेरे ख्याल आज खैर आइडिया तो नहीं मुझे खैर, लेकिन 250 रुपये तक का चल रहा है शेयर अगर आज, तो आप आज शेयर ले लें और जैसे ही डिविडेंड अनाउंस हो तो वो आपके अकाउंट में खुद ब खुद क्रेडिट कर देंगे। और नेट वर्किंग कैपिटल क्या है मॉड्यूल 4 के अंदर पूछा गया है, और इक्विटी फाइनेंसिंग क्या है कि भाई इक्विटी फाइनेंसिंग किस तरीके से की जाती है, जो ये मॉड्यूल 1 से लिया गया है। इसी तरीके से मॉड्यूल 1 ही से, मॉड्यूल 1 मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा है, काफ़ी क्वेश्चंस जो है वो इंपॉर्टेंट जो है मॉड्यूल 1 से आ रहे हैं। क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा क्रेडिट पॉलिसी क्या होती है, और फिर मॉड्यूल 1 से ही लिया गया है डिफरेंस बिटवीन मेथड टू राइज द कैपिटल विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रीफली एक्सप्लेन ये बात, यानी कि मतलब कितने तरीके से ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैपिटल राइज कर सकती है। और फिर इसके आगे मॉड्यूल 5 से लिए व्हाट डज फर्म नीड टू इन्वेस्ट इन नेट वर्किंग कैपिटल, यानी कि मतलब व्हाई डज फर्म नीड टू, यानी कि जो आप वाइडर्स, यानी कि मतलब क्यों फर्म जो है वो नेटवर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करती है। अच्छा ऐसा होता है, मैं अब आपको बताता हूँ कि अब जैसे मिसाल दीजिए कंपनी जो है उसने 100 रुपये कमाए, 100 रुपये कमाने के बाद उसने
50 रुपये जो है वो एज अ डिविडेंड दे दिए, लेकिन वो 50 रुपये चाहती तो 100 रुपये 100 एज अ डिविडेंड दे सकती थी, लेकिन वो फर्म कुछ रोकती है। उससे क्यों रोकती है? वो एक तो वर्किंग कैपिटल के अंदर इंजेक्ट करती है और कुछ रिजर्व भी रखती है। तो वर्किंग कैपिटल जितना आपका बढ़ता जाएगा उतना आपको लोन आगे चल के अगर आपका काम बढ़ता है तो आपको लोन लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसी से आपके आपके अपने ही पैसे से काम हो जाएगा। तो आपको खामखा ही किसी को इंटरेस्ट भी देने की पड़ने की नहीं ज़रूरत होगी। तो इसलिए कंपनीज जो है वो हमेशा रिजर्व में अपने कुछ पैसे रखती हैं और वर्किंग कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करती रहती हैं। अब फ्रेजेस, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स जो वो मॉड्यूल वन से ही लिया गया है। प्रेफरेंस शेयर्स वही शेयर्स होते हैं, जिनके अंदर आपको फिक्स डिविडेंड मिलता है। मतलब जैसे अगर 10% का गया तो 10% ही मिलेगा, लेकिन इस प्रेफरेंस शेयर के अंदर एक नुकसान होता है। वो ये नुकसान होता है कि इनके पास वोटिंग राइट या तो नहीं होते या तो होते हैं तो बहुत कम होते हैं। और फिर उसके आगे मॉड्यूल 6 से लिया गया है नेट इनकम। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और ये वीडियो आपको हेल्प करेगी आपके एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।